बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने बेंगलुरु पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली के जरिए जब जनता से मुखातिब हुए तो उन्होंने न केवल तमाम विकास योजनाओं के जरिए देश को विकास के पथ पर ले जाने का वादा किया बल्कि विपक्ष पर वे जमकर बरसे। काले धन के मसले पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे केवल झूठ फैला रहे हैं जबकि सरकार काले धन को वापस लाने के लिए तमाम कदम उठा रही है। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या निर्णय किया? 3 साल से दिल्ली में बैठी सरकार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी काले धन के संबंध में निर्णय करने को तैयार नहीं थी, एसआईटी बनाने को तैयार नहीं थी। हमने आते ही पहली कैबिनेट के अंदर एसआईटी बनाने का निर्णय कर लिया और एसआईटी ने काम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लगातार एसआईटी अपना रिपोर्ट दे रही है, कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोयला घोटाले पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला किया और दावा किया कि उनकी सरकार ने कोयले को हीरा बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया जबकि पिछली सरकार ने केवल कुछ लोगों की तिजोरियां भरने का काम किया। आपने जो सरकार बनाई, जिसने कोयले में हाथ डाला, पहले कोयले में हाथ डाला था तो तिजोरियां भरने लग गई थी लोगों की, हमने कोयले में हाथ डाला, कोयले को हीरा बना करके देश के सामने समर्पित कर दिया है। पीएम ने कहा कि 10 साल तक दुनिया के समक्ष भारत को लेकर निराशा का माहौल था लेकिन अब माहौल बदला है और देश में भ्रष्टाचार भी घटा है। पीएम ने ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को विकास के लिए अहम बताया और कहा कि वो देश को मोबाइल गवर्नेंस की ओर ले जाना चाहते हैं। पीएम ने राज्यों के साथ मिलकर काम करने की बात दोहराई और कहा कि उनकी सरकार ने 14वें वित्त आयोग के जरिए राज्यों को ज्यादा मदद दी है। अपनी सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, नीतियों के साथ साथ नीयत भी ठीक होनी चाहिए। कुछ बातों में नीति समान दिखती हो लेकिन कभी कभी नीति से ज्यादा ताकतवर नीयत होती है और हमारी नीयत आपकी नीतियां क्या रही क्या नहीं, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं थी, हमारी नीयत ठीक है और उसके कारण हम विकास के दौर पे आगे निकले हैं। पीएम ने कहा कि आज देश सबसे तेजी से विकास कर रहा है। तिरंगे के 3 रंगों और नीली क्रांति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि वो चतुरंगी क्रांति के जरिए देश को विकास के पथ पर ले जाएंगे। भारत का तिरंगा झंडा राष्ट्र के विकास के लिए हमें प्रेरणा देता है और उन्हीं 4 रंगों से चतुरंगी क्रांति के साथ हम एक देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के लिए कितने चिंतित हैं, इस बात का पता बेंगलोर की सभा में चला जब आईटी प्रोफेशनल्स को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। जो आईटी प्रोफेशनल्स दुनिया भर के मुल्कों में देश का नाम रोशन करते हैं। कैमरामैन सईद के साथ बेंगलोर से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।